हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फूडीज। एक और नया दिन एक और नया डिश के साथ आज मैं मानसून स्पेशल पकौड़ा प्लेटर की रेसिपी लेकर आई हूँ। बरसात में चाय और पकौड़े किसे पसंद नहीं होते हैं, पकौड़े तो सभी के फेवरेट होते हैं। और आज मैं एक ही बैटर से 6 डिफरेंट टाइप के पकौड़े बनाने वाली हूँ, जिसे बनाना जितना ही आसान है खाने में ये उतने ही ज्यादा मजेदार से होते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बैटर बनाएंगे। तो यहाँ पे बैटर के लिए मैंने 1.5 कप बेसन ले लिया है और पकौड़े को एकदम क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने 1/4 कप सूजी लिया है। आप चाहे तो चावल का आटा भी ले सकते हैं। और अभी मैं इसमें 1/2 टीस्पून लाल मिर्च ऐड करूंगी, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा सा अजवाइन ऐसे क्रश करके ऐड करूंगी और 1 पिंच हींग ऐड करूंगी और थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स ऐड करूंगी। आप चाहे तो सूखी लाल मिर्च को ऐसे क्रश करके ऐड कर सकते हैं। और अभी इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अभी मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करूंगी और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका बिल्कुल लम्स भी बैटर रेडी कर देंगे। ध्यान रहे जो भी पेस्ट हम बनाएंगे उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी लिक्विडी या फिर बहुत ज्यादा थिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरा जो बैटर है वो रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। इस बैटर में मैंने 2 कप जितना पानी ऐड किया है। तो अभी हम इसे ढककर 10 से 15 मिनट रेस्ट के लिए रखते हैं। तक हम देख लेते हैं कि हमें किन किन चीजों के पकौड़े बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने ये 3 प्याज को ऐसे स्लाइसेस में कट करके ले लिए हैं और यहाँ पे मैंने 2 आलू को ऐसे कट करके ले लिया है और यहाँ पे मैंने पनीर के पकौड़े बनाने हैं। तो पनीर को मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है और यहाँ पे बैंगन के पकौड़े भी मैं बनाऊंगी। तो बैंगन को मैंने ऐसे राउंड शेप में कट कर लिया है और मैंने यहाँ पे टमाटर के पकौड़े बनाने हैं। तो टमाटर को भी मैंने ऐसे राउंड शेप में कट कर लिया है और यहाँ पे मैंने ब्रेड पकौड़े बनाएंगे। तो ब्रेड को भी मैंने ऐसे ट्रायंगल शेप में कट कर लिया है। अभी मैं ऊपर से यहाँ पे लाल मिर्च स्प्रिंकल करूंगी और थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करूंगी। इससे जो पकौड़े है ना अंदर से भी एकदम तीखे चटपटे होंगे, बिल्कुल भी फीके नहीं लगेंगे। तो इसे अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। प्याज को बिल्कुल ऐसे हम क्रश कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरी जो भाजी बिल्कुल रेडी हो गई है। अभी हम बैटर को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे बैटर बिल्कुल रेडी है। अभी हम 2 टेबलस्पून जितना मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। इससे जो है पकौड़े एकदम क्रिस्पी बनेंगे और जब पकौड़े को हम फ्राई करेंगे ना वो अलग नहीं होंगे और काफी फुले फुले से पकौड़े बनेंगे। तो सबसे पहले मैं बैगन के पकौड़े बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने बैटर में बैगन डाल दिए है और इसे ऐसे डिप करके मैं डायरेक्ट ऑयल में फ्राई करूंगी। तो यहाँ पे ऑयल को मैंने हाई फ्लेम पे गर्म कर लिया है। अभी हमें इन्हें बिल्कुल भी स्टर नहीं करना है, कुछ देर बाद ये अपने आप ऊपर तैरने लगेंगे। तो यहाँ देखिए ये ऊपर आ गए हैं। अभी हम इसे हल्का सा स्टर कर लेते हैं, पलट लेते हैं। तो यहाँ पे ये बैगन के पकौड़े एकदम अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो गए हैं। अभी हम इसे निकाल लेते हैं। तो अभी मैं आलू के पकौड़े फ्राई करूंगी। तो यहाँ पे आलू के पकौड़े भी मैंने फ्राई कर लिए हैं। हमें इन पकौड़ों को बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, वरना ये ऊपर से तो एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे, अंदर बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। अभी मैं टमाटर के पकौड़े बनाऊंगी। तो टमाटर के पकौड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पे टमाटर के जो स्लाइसेस लिए ना उसमें मैंने ये तीखी वाली हरी चटनी ऐड की है। ये पुदीना और आम की चटनी है, आप कोई सी भी हरी चटनी ऐड कर सकते हैं एकदम तीखी वाली। और अभी मैं इस तरीके से इसे बैटर में डिप करूंगी, बहुत ज्यादा इसे टच नहीं करना है और ऐसे डायरेक्ट निकाल के हम ऑयल में डाल देंगे। तो यहाँ पे ये फ्राई हो गए हैं, अभी हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए एकदम मजेदार से पकौड़े बने हैं टमाटर के। तो अभी हम ब्रेड पकौड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पे वापस से मैंने वही चटनी इस ब्रेड पे अप्लाई कर दिया है। अभी मैं इसे बैटर में बिल्कुल अच्छे से डिप कर लूंगी और डायरेक्टली हम अब इसे ऑयल में डालेंगे। तो अभी हम एक बार इसे पलट लेते हैं ताकि ये दोनों साइड से बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए।
तो यहाँ पे मेरा जो ब्रेड पकौड़ा है वो भी बिल्कुल फ्राई हो गया है, तो इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। और अभी मैं पनीर पकौड़ा फ्राई करूंगी, तो यहाँ पे मैंने पनीर को ऐसे बैटर में डिप करके डाल दिया है। तो यहाँ पे जो पनीर का पकौड़ा है वो भी बिल्कुल रेडी हो गया है। पनीर पकौड़ा स्पेशली मेरा फेवरेट है। तो अभी नेक्स्ट मैं प्याज पकौड़ा बनाऊंगी। तो प्याज पकौड़े के लिए बचे हुए बैटर में मैंने ऐसे प्याज के लच्छे डाल दिए हैं, और साथ ही में मैंने बारीक कटे हुए मिर्ची और अदरक के डाले हैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अभी मैं इसे फ्राई करूंगी। तो अभी हमें इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। तो प्याज पकौड़ा भी बिल्कुल रेडी है। अभी हम चलते हैं सर्विंग के प्रोसेस पे। तो यहाँ पे मैंने पकौड़े प्लेटर में आम और पुदीने की खट्टी चटनी और इमली की मीठी चटनी सर्व की है। इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप ऊपर आई बटन से चेकआउट कर सकते हैं। तो एकदम मजेदार सी कुरकुरी क्रिस्पी करारी मानसून स्पेशल पकौड़ा प्लेटर बिल्कुल रेडी है। आप इस पकौड़े प्लेटर को एक बार जरूर ट्राई करिएगा। आप इसे चाय या कॉफी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आज की ये पकौड़ा प्लेटर की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करिएगा। और अगर अब तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, तक आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए घर पर रहिए और सेफ रहिए।